हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लर्निंग चैनल। आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। एट प्रेजेंट यू आर वाचिंग सीरीज ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू कैरियर गाइडेंस। कैरियर किस तरह से आप किस फील्ड में अपना बनाएं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रिकॉग्निशंस हैं, फीस है, स्कोप है, ये सारी जानकारी इन वीडियोस में दी गई है। वर्तमान ग्लोबलाइजेशन के दौर में प्रबंधकों की डिमांड बढ़ गई है। इस डिमांड को फुलफिल करते हैं मैनेजमेंट स्ट्रीम के कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, पीजी डिप्लोमा कोर्स जो ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, डिप्लोमा कोर्स क्लास ट्वेल्थ के बाद होते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्सेज, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन रिटेल मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। बीबीए, एमबीए कोर्सेज अच्छे कोर्स हैं। रेगुलर कैटेगरीज के अलावा भी मैनेजमेंट की स्ट्रीम में डिस्टेंस एजुकेशन मोड में भी ये कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप इन्हें करके अपना कैरियर को गाइडेंस दे सकते हैं, अच्छा मार्गदर्शन, अच्छी मंजिल दे सकते हैं। इग्नाऊ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी, विनायका मिशन यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी और ऐसी बहुत सारी रीजनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन कोर्सेज को कराती हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किया जाता है। बारहवीं आपका किसी भी संकाय से है तो आप बीबीए कर सकते हैं। बीबीए में भी अब स्पेशलाइजेशन चलता है, बीबीए ऑनर्स चलता है अकाउंटिंग मैनेजमेंट। इसके अलावा आप बीबीए होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप इन क्षेत्रों में मैनेजर के रूप में वर्क कर सकते हैं। यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है और अब आप मैनेजमेंट की फील्ड में आना चाहते हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए में भी 10 से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चलते हैं, जैसे फाइनेंस है, एमबीए मार्केटिंग है, एमबीए प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो आप कर सकते हैं। इनको करने के बाद में आप एक बैंक मैनेजर के रूप में, कंपनी मैनेजर के रूप में, कंपनी में बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं जैसे कि फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, टेक्निकल है, स्टोरेज है, मार्केटिंग है, आप इन क्षेत्रों में मैनेजर के रूप में कार्य कर सकते हैं। थैंक यू।